राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस का सभी राज्यों में सत्याग्रह, जगह जगह प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत, गांधी दर्शन स्मारक के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस का आरोप, कहा राजनीतिक दबाव में नहीं मिली अनुमति, सभी नियमों का किया पालन। राजघाट के आसपास दिल्ली पुलिस ने लागू किया दारूक सुच्चा वाले सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। कांग्रेस ने राजघाट के पास गांधी उपवन में किया सत्याग्रह, खड़गे प्रियंका भी शामिल। सत्याग्रह के दौरान बीजेपी पर भड़के खड़गे, का देश लूटने वाले को बचा रहे मोदी। खड़गे बोले देश की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लोकतंत्र बचाने के लिए करते रहेंगे संघर्ष। राहुल गांधी को लेकर बोले खड़गे, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए करते रहेंगे संघर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस अध्यक्ष का जितना दबाएंगे उतनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता इसमें हुए शामिल, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। राजघाट पर बीजेपी पर जमकर बरसीं प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे परिवार का अपमान किया। अपमान की बात को लेकर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, संसद में मेरे शहीद पिता और उनके बेटे का अपमान। सोनिया गांधी को लेकर भी बोली प्रियंका, कहा भाई संसद में मेरी मां का अपमान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना, कहा राहुल के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जनता का पैसा कुछ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। राहुल गांधी के मुद्दे पर सोनीपत में भी कांग्रेस नेताओं ने किया सत्याग्रह, गांधी चौक पर पहुंचे विधायक और कांग्रेस के मेयर। केरल के त्रिशूर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन पर हंगामा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह, राहुल गांधी के संसद सदस्यता जाने पर विरोध। राहुल गांधी ने बदली ट्विटर प्रोफाइल का बायो, लिखा डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पप्पू यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा जल्दबाजी में खत्म की गई राहुल गांधी की सदस्यता। बिना नाम लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उनका अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी। नड्डा ने कहा पिछड़ों और अति पिछड़ों को मुख्य धारा लाना बीजेपी का मुख्य लक्ष्य, कुछ लोगों को हो गया अहंकार। सुशील मोदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा पिछड़ों के अपमान के बाद सत्याग्रह का ढोंग। योगी ने कहा लोकतंत्र को कमजोर करने वाले ना करें सत्याग्रह की बात, बापू ने दी सत्याग्रह की प्रेरणा। उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए मोबाइल हेल्थ सर्विस की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया। कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने किया कटाक्ष, कहा सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाया सवाल, कहा क्या सत्याग्रह पिछड़ी जातियों के अपमान के लिए है। राहुल की संसद सदस्यता जाने पर भी बीजेपी ने दी सफाई, कहा कानून के मुताबिक की गई कार्रवाई। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा परिवार के लिए इन्हें दो विधान चाहिए। बीजेपी ने की मांग, कहा पिछड़ों के अपमान के लिए माफी मांगे राहुल।